तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो इसमें क्या कहा जा रहा एक है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑसिलेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हर्ट्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग ऑसिटिंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना तो मैग्नेटिक फील्ड देखो हम सबको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है बट फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहती है तो यहाँ से आप देखोगे तो आ, जो है स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दिया हुआ तो बहुत आसान सवाल है डायरेक्ट फार्मूला बेस है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड तो स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो एम्पलीट्यूड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यहाँ से दिया हुआ है इलेक्ट्रिक uh, फील्ड का एम्पलीट्यूड यहाँ से दिया हुआ कितना है 48 और डिवाइडेड बाई लाइट की स्पीड 3 इंटू टेन की पावर 8 ये 108 नहीं है 3 इंटू टेन की पावर 8 है तो 16 टाइम से कट जाएगा तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई है 16 इंटू टेन की पावर माइनस एट या इसको तुम लिख सकते हो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो uh, टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा और इंटू टेन की पावर माइनस सेवन टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड होगी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस सेवन दैट इज डी ऑप्शन मैच कर जाएगा